का मौसम है और ऐसा कुछ गर्मा गर्म हो जाए तो मैं आज टमाटर सूप बनाऊंगी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। यहाँ पे हम इसको कुकर में ना तो बॉईल करेंगे और ना उसको ब्लेंडर से पीसेंगे, फिर भी ये होटल जैसा एकदम बढ़िया क्रीमी और एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा। सेम आप होटल में पीते हो वैसा ही सेम टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर से एक बार बनाना और पूरी ट्रिक के साथ मैं बताऊंगी आपको, तो पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखना। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट स्टाइल में टमाटर सूप कैसे बनाते वो दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम टमाटर ले लिया है, इसको हम कटिंग करेंगे। तो ज़्यादातर हम लोग बड़े बड़े पीसेस करके कुकर में बॉईल करते हैं और इसकी सीटी बजाते हैं, लेकिन आज हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर को मैं बारीक बारीक चॉप कर दूंगी, तो सारे टमाटर को हम चॉप कर देंगे। फ्रेंड्स एकदम ईजी तरीका है, ना तो आपको झंझट है और फटाक से आप ये बना सकते हो। मैंने सारे टमाटर चॉप कर दिए हैं। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून हम बटर डाल देंगे, उसको मेल्ट कर देंगे। 1 इंच टुकड़ा लेंगे अदरक का और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपको प्याज और लहसुन डालना है तो आप डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। इसके बाद हमने जो टमाटर काटे हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो टमाटर को हम इसको पकाएंगे। हाँ, ये नया तरीका है और एकदम बढ़िया से आप होटल में जो खाते हो वैसे ही सेम टेस्ट आएगा। इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि तुरंत ही ये अच्छे से पक जाएगा। तो नमक टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। अभी ये पक गया है तो इसके अंदर मैं 1 स्पून शक्कर डाल दूँगी, क्योंकि शक्कर से एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा, तो हम इसको ऐड करेंगे अंदर। इसके बाद आप वापस पकाएंगे हम इसको, तो थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। इसमें हम शक्कर और टमाटर का बैलेंस लेने के लिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम सॉस डाल देंगे। तो टमाटर केचप हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि एकदम बढ़िया जो हम होटल में पीते वैसा ही टेस्ट आएगा। 1/8 स्पून हम काला मरी पाउडर डालेंगे ताकि तीखा थोड़ा लगेगा, तो इसीलिए मैंने डाला है। उसके बाद इसमें 1 लीटर में पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम पकाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाने के लिए छोड़ेंगे, तो आप देख सकते हो कि एकदम बढ़िया से उबल रहा है और घाटा भी हो गया है थोड़ा, तो वैसा ही हमको रखना है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अभी इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लेंडर की मदद से पीसेंगे नहीं, अगर हम पीसेंगे तो इसके बीच कट हो जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो आज रेस्टोरेंट में जैसे मिलता है वैसे ही मैंने आज बनाया है। अभी इसको छन्नी से हम छान लेंगे, तो एकदम बढ़िया से ये सिंपल तरीके से हो जाता है, ना तो हमको ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है ना इसको हम बॉईल करेंगे, फिर भी ये एकदम बढ़िया टेस्टी बनेगा। इसको अच्छे से हम सारा निकाल देंगे, तो ये रेडी हो गया है। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हमारा ठीक जैसा बन गया है। अभी एक कढ़ाई लूँगी, हम ब्रेड क्रम्स भी घर पे बनाएंगे, तो ज़्यादातर सब तल के बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ईजी तरीके से बनाऊँगी और रेस्टोरेंट में मिलता है वैसा ही सेम टेस्ट आएगा। तो एक कढ़ाई में मैंने चौरस चौरस पैर में काट लिया है और उसको सेक देंगे अच्छे से, तो ये रेडी हो जाएगा। तो वैसे ही हमने रेडी कर दिया है। अभी वही कढ़ाई लूँगी मैं, उसके अंदर टमाटर सूप हमने जो छान लिया है वो ले लूँगी और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम पानी डालेंगे और इसको लम्स फ्री बना के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपको मैदा डालना है तो मैदा भी ला सकते हो, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अभी आपको थोड़ा कलर चेंज लगेगा, लेकिन ये उबलेगा तो एकदम बढ़िया से इसका कलर वापस आ जाएगा। तो इसको अच्छे से हमको उबालना है एकदम बढ़िया से, तो आप देख सकते हो ये ठीक होने लगा है। तो मतलब मैं रेस्टोरेंट में जो मिलता है वैसा ही ठीक भी आपको मिलेगा और एकदम क्रीमी टेक्सचर भी मिलेगा। तो ये उबलने लगा है, आप देख सकते हो अभी ऊपर ऐसा वाइट वाला झाग आया है, तो मैं उसको भी निकाल दूंगी। तो पहले हम इसको उबालेंगे और सारा झाग इसका हम निकाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं निकालना है तो नहीं निकालो तो भी चलेगा, लेकिन मैंने निकाल दिया है।
तो वैसे ही सारा हम निकाल देंगे। तो एकदम बढ़िया ऐसा हमारा होटल जैसा सूप रेडी हो गया है फ्रेंड्स, इसको हम सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। और हाँ, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा, तो आप ये मत भूलना। तो ये हमारा सर्व हो गया है, आप देख सकते हो टमाटर सूप कितना बढ़िया एकदम रेड बना है। तो इसको सर्व कर दिया है मैंने, उसके साथ मैंने जो टोस्ट बनाया है वो भी ले लूँगी। तो फ्रेंड्स एकदम इजी तरीके से आप ये घर पे बना सकते हो टोस्ट भी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।